चोरी की घटनाओं को रोक पाने में पुलिस फेलियर साबित हो रही है। आए दिन किसी न किसी के घरों को चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इस बार चोरों ने पत्रकार के सुने मकान को निशाना बनाया और घर में रखे नकदी और सामान चोरी कर लिए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुम्हारपारा में रहने वाले शिरीष डामरे शहर के बाहर गए हुए हैं। इसी का फायदा उठाकर शनिवार की रात चोरों ने उनके घर धावा बोला और नकदी समेत घर में रखे सामान ले उड़े। सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना कर चोरों के बारे में पता साझी कर रही है। शिरीष दामड़े जी 3 दिन पहले गए, उनकी मदर की तबीयत खराब है। उनकी मदर अमरावती में रहती हैं, तबीयत खराब है तो वो गए हुए थे। तो उन्होंने आज सवेरे मुझे फ़ोन करके सूचना दिया कि मसीह जो उनके यहाँ खाना बनाने कभी कभी आते हैं, वो घर का लाइट बंद करने आए थे सवेरे। तो कुंडी उंडी टूटा हुआ है घर के, तो 2 मंजिला मकान है जिसमें ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा है सच, क्योंकि ऊपर लैपटॉप वैपटॉप रखा हुआ तो नहीं है। लेकिन जो अलमारी जो नीचे के कमरे में, वहाँ से कुछ कुछ जितना फ़ोन में जानकारी मिली है शिरीष भैया से कि कुछ मतलब सोने के चेन और कुछ 35-40 हज़ार के आसपास का कैश और कुछ कान के कुंड झुमके उमके लॉकेट वॉकेट गया है। बाकी उनको जितना याद है उस हिसाब से, इससे ज़्यादा तो जानकारी है। कुंदा टूटा हुआ है और बेडरूम में उनका जो दीवान वगैरह है उस पे सामान उनका चेक किया गया है। अलमारी तो खुली ही थी, चाबी उसमें है और अलमारी में रखे हुए सामान भी बिखेर दिया है। और घर मालिक तो भी है नहीं, सामान के बारे में तो बता नहीं सकते। बाकी कोई घुस के चोरी का प्रयास इसमें किया है।